स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से इस नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आने जा रहा है एक नया, तो इधर आए हैं नैनीताल साइड। आप लोगों को एक आज अपना काम भी, तो कंटिन्यू बने रहो और मेरे पीछे का व्यू देखो, चेक करो एक बार आप लोग। अभी ऊपर और जाना है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ एक बार फ्रंट कैमरे से। वहाँ से आए हम, वहाँ से नीचे से बीच में भैया ये बादल आ रहे हैं और बड़ी ठंडी सुहानी मस्त हवा चल रही है। तो नैनीताल अपना हम पहुंच चुके हैं और साथ में मेरे साथ गुड्डू भाई आए हैं, ये इधर पीछे खड़े हैं। और अभी आप लोगों को नैनी लेक के दर्शन कराते हैं, क्या सीन है यहाँ का वो पूरा इस वीडियो में दिखाता हूँ। चलो इधर आए हैं तो आप लोगों को नैनी लेक का भी दर्शन करा दें, ठीक है? तो अभी नीचे चलते हैं। ये मेरे पीछे नैनी लेक इधर साइड, तो चलते हैं इधर की साइड। पार्क वर्क बिल्कुल बंद कर रखा है इस वक्त इन्होंने, और कुछ स्कूल के और कुछ वैसे मोहल्ले वाले गेम खेल रहे हैं मेरे पीछे। तो यहाँ पे बारिश आते हुए और मौसम थोड़ा ही जहरीला हो चुका है यहाँ का। बारिश पड़ रही है धीरे धीरे, हल्के हल्के बारिश। मौसम एक नंबर का मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त। नैनीताल में, अब नैनीताल से ऊपर जा रहे हैं भवाली साइड, और आप लोगों को साइड दिखाते हैं अपना जो काम चल रहा है। नैनीताल से अभी निकले हम भवाली वाले रोड पे, ये देखो नज़ारा। उधर तो नैनीताल में बारिश हो रही बहुत अच्छी, और इधर अपना बिल्कुल सूखा मामला है। चलो अभी मैं अब आप लोगों को भवाली जाके ही मिलता हूँ, और साथ में हमारे गुड्डू भाई हैं। गुड्डू भाई अभी पकड़ ड्राइव कर रहे हैं और अपना मौसम का एंजॉय ले रहे हैं। तो अभी हम भवाली पहुँच के आप लोगों को और दिखाते हैं। मौसम एक नंबर का है, अगर आप लोगों का प्लान है घूमने का तो आ सकते हो इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। नीचे तो हमारी तरफ बहुत आग बरस रही, बहुत गर्मी हो रही। तो अभी मैं पहुँच के आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है? जिसे कहते हैं ना जन्नत, जन्नत में इस वक्त आएगी। जन्नत के नज़ारे बड़े हसीन, क्या शानदार हवा चल रही है, और नज़ारे तो कुछ पूछो मत भाई। मौसम एकदम जहरी है, हम सामने से जहाँ बादल हो रहे हैं ना, यहाँ से आए हैं नैनीताल है, बारिश हो रही है बहुत बढ़िया, और इधर को अपना मौसम बिल्कुल क्लियर। अभी यहाँ पे लिखे हैं आई लव नैनीताल पॉइंट पे। गुड्डू भाई अपने एंजॉय ले रहे हैं मौसम का दवा का। गवाली सीमा लग गई है यहाँ से, जब दिखाऊंगा तुम सीन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कल तो काफी लेट हो गए थे, इधर पहाड़ साइड में 5-6 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता, तो अब ये नेक्स्ट दिन है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साइड, यहाँ पर काम चल रहा है।
पहले मुंह हाथ धो लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं थोड़ा। पानी 24 घंटे अवेलेबल। फ्रेश हो लो यहाँ से, बे जल्दी आओगे। ये स्टोर है अपना, इसे मोटर को लेकर चलते हैं नीचे नदी में रखते हैं और तराई करते हैं। आओ भाई जल्दी। ये है नीचे से साइड, ये साथ में रिवर नदी बह रही है और यहीं से अपना साइड चालू हो जाती है और ये पीछे तक है। ये यहाँ से स्टार्ट और ये ऊपर तक है। अभी मैं ऊपर जाकर और दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी इसमें काम चल ही रहा है, कम से कम 6 महीने साल भर का काम है। ये पूरा तैयार करके देना पार्टी को। अभी ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ऊपर जाकर ये है। अभी इसमें कॉलम भरे जा रहे हैं, बाकी रोड के लेवल लो फर्स्ट फ्लोर आएगा इसका, फिर यहाँ से सेकंड फ्लोर स्टार्ट होगा। इस जगह से वो लास्ट उस कोने तक। अभी सिविल यानी कंक्रीट का काम ही चल रहा है। ये लास्ट कोना जो है यहाँ तक। और ये सामने मेन रोड है जो भटालिया की तरफ जा रहा है और इस जगह का नाम है पदमपुरी। फोन कर दी मुझे, हो गया हो गया। खेचो खेचो। तो अभी एक व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं आप लोगों को लेकर, समथिंग 2-3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। कबीरा कबीरा यहाँ से 4 किलोमीटर है। आसिम भाई है साथ में और बाबू, और दोनों के दोनों जा रहे हैं अकेले सुनसान जंगल में। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बताया किसी ने, क्या नाम है आसिम भाई इस व्यू पॉइंट का? नाम तो मुझे भी नहीं पता, नाम नहीं पता, बस ये कबीरा यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो इधर की साइड जा रहे हैं और देखते हैं, अगर व्यू अच्छा हुआ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। बाकी नीचे चलते हैं साइड पर जहाँ काम चल रहा है। स्कूटी से ये फायदा है, एक हाथ से चलाते रहो, गियर फेयर चेंज करने की कोई झंझट ही नहीं है। आसिम भाई को देखा होगा आपने वाटरफॉल वाली वीडियो के अंदर, तो आज फिर हम आसिम भाई के पास आए हैं दोबारा मिलने के लिए। और आसिम भाई कैसे हैं? बस बढ़िया है, अपना यही चलता है काम। आओ घूमने कभी यार, दोस्तों को भी लेकर आओ साइड पे, नैनीताल घूमते इस बार। अपना ही काम चलता है यहाँ, कहीं भी जा रहे। तो अभी मैं आप लोगों को आपका फील्ड का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखो वहाँ नीचे हमारी साइड चल रही है, हम ऊपर आ गए काफ़ी। पर यहाँ भी गांव हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे काफ़ी। और मौसम एक नंबर, रात बारिश जो हुई है ना उससे और मौसम मस्त हो गया।
अपनी आवाज बुरी लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल सुनसान। उधर सामने पहाड़ी पर कुत्ते भौंसते हुए वहाँ तक की आवाज़ आ रही है, इतना शांत इलाका है। और ये रास्ता हमारा जंगल में जाता हुआ, नेचुरल आवाज है भाई, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल आवाज। मैप से देख चुका हूँ, ये है व्यू। इसका रोड का हो गया समाप्त, इसके आगे नो एंट्री। आसिम भाई इसका आगे खत्म खत्म, जंगल जंगल से हाथी क्या लिखा है यहाँ पे 0 किलोमीटर। बनखेरी बनखेरी है